देश भर में 15 दिसंबर से टोल टैक्स पर फास्टैग का नियम अनिवार्य हो गया है, लेकिन इस नियम को लेकर घरौंडा शहर के लोकल वाहन चालकों ने विरोध किया है। इस दौरान लोगों ने टोल फ्री करवाने की मांग की और टोल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान टोल प्रशासन ने लोगों को किसी तरह समझा बुझा कर शांत करवाया और टोल प्रशासन ने मौके पर अधिकारियों को सूचित कर बैठक बुलाई। बैठक में घरौंडा SDM गौरव कुमार, DSP रामदत्त, SHO मधुबन तरसेम चंद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट BDPO इंद्री अंग्रेज सिंह, टोल मैनेजर मनीष कुमार बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि फास्टैग लगने से पहले घरौंडा के लोकल लोगों की गाड़ियां टोल से फ्री निकल रही थी। जैसे ही टोल लगाना शुरू हुआ वैसे ही लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया। लोगों की मांग है कि अगर उन्हें करनाल या आसपास के गाँव में जाना पड़े तो उन्हें टोल देना पड़ता है। हालांकि यह सुविधा पहले लोगों के लिए फ्री कर दी गई थी। वहीं घरौंडा SDM गौरव कुमार ने बताया कि अभी हमने टोल प्रशासन से इस मुद्दे पर बात की है और उन्होंने हमें कहा है कि वो इस मुद्दे पर NHAI के अधिकारी से बात करेंगे और इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। साथ ही SDM गौरव कुमार ने बताया कि उन्होंने सभी आए हुए लोगों से लिखित में उनसे उनकी मांगों की सूची मांगी, जिससे कि वे भी आला अधिकारियों से इस बारे में बात कर सके। इस बारे में घरौंडा ट्रक यूनियन के प्रधान राजबीर कैमला ने कहा कि जैसे ही ट्रक टोल से गुजरता है तो उन्हें आने जाने का टोल करीब 1500 रुपए देना पड़ता है और अगर उन्हें दिन में करीब 3 से 4 बार करनाल की ओर आना जाना पड़े तो इसके लिए उन्हें करीब एक दिन के 5 से 6 हजार रुपए की राशि खर्च करनी पड़ती है। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि जैसे वे पहले टोल से फ्री में जाते थे ऐसे ही उनके लिए फिर से टोल फ्री कर दिया जाए। ट्रक चालक उत्तम घनघस ने कहा कि उनको इस नए नियम से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए वे सरकार से जल्द स्थायी समाधान चाहते हैं। इस बारे में टोल मैनेजर मनीष कुमार ने बताया कि अभी लोकल लोगों के लिए 150 रुपए का पास जारी किया गया है और कमर्शियल वाहनों के लिए अभी कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई। इसके लिए हम अपने NHAI के आला अधिकारियों से बात करेंगे और जैसे ही कोई सूचना आएगी उसे हम लोगों को बताने का काम करेंगे। देखिए घरौंडा से संवाददाता विवेक राणा की एक खास रिपोर्ट। आज हम सारे घरौंडा के गणमान्य लोग इकट्ठे होकर टोल टैक्स पे आए हैं क्योंकि जब से ये हमारे पास ताड़ा टोल लगा था तब से मीटिंग होकर लोकल फ्री का वादा किया गया था टोल टैक्स प्रशासन के द्वारा और ये हर साल हमारे साथ यही हाल करते हैं। हर साल हमारी गाड़ियां बंद कर देते हैं। अब भी इन्होंने हमारी गाड़ियां निकालनी बंद कर दी। अब हम आज इनके पास आए हैं, DC साहब के पास भी गए थे, SP साहब के पास भी गए थे, तो आज हम इनके पास आए हैं। ये ना तो हमसे बात कर रहे, अंदर घुसे हुए हैं और अपने गुंडे बाहर खड़े कर रखे हैं इन्होंने। ना हमसे कुछ बात करने देते ना कुछ करने देते। इन्होंने इतनी तानाशाही लगा रखी है, यहाँ पर 250-300 लड़के लगा लिए हैं जो शहर के छठे हुए बदमाश हैं कि कोई भी लोकल आए उसके साथ हाथापाई करे। कोई रात को कोई लोकल हमारा यहाँ से निकलता है उसके साथ हाथापाई करते हैं। जब ये टोल टैक्स लगा था तो मीटिंग हुई थी, उसमें ये हुआ था कि लोकल गाड़ियाँ फ्री निकलेंगी, तो ये अब हर साल 6 महीने के बाद लोकलों को परेशान करने लग जाते हैं, लोकल गाड़ियाँ नहीं निकलती। जब ये हमारे यहाँ लगा हुआ है और अगर फ्री नहीं किया गया तो क्या एक्शन रहेगा? अगर फ्री नहीं किया गया तो हम यहाँ अनिश्चितकाल धरना देंगे और इस टोल को फाड़ के यहाँ से दम लेंगे। लोकल यहाँ टोल टैक्स नहीं देगा बिल्कुल भी। लोकल क्यों टोल टैक्स देगा? करनाल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, हमें डेली 3-3 चक्कर करनाल के लगाने पड़ते हैं। हम ये इनको 200-200 रुपये टोल टैक्स कैसे दे देंगे? जब हर जगह लोकल टोल टैक्स फ्री है तो हम इनको फिर क्यों देंगे? अब इन्होंने हमारी लाइन बना रखी थी लोकल की, दो वो 3 दिन से बंद कर रखी है। किसी को इमरजेंसी है वो यहीं खड़ा रहेगा, किसी को कोई बीमारी है वो तो यहीं दम तोड़ देगा। लोकल खड़ा रहता है यहाँ एक एक घंटा आधा घंटा लाइन में, लोकल पैसे थोड़ा देगा। जब लोकल फ्री है तो ये हर महीने हर 6 महीने में साल में अपना मैनेजर बदल देते हैं और वो मैनेजर आके अपनी यहाँ हमारे पास तानाशाही करता है। अब इन्होंने पिछले हफ्ते से क्या कर रखा है, यहाँ गुंडे लगा रहे हैं, 250-300 लड़के लगा के यहाँ खड़े कर रखे थे और उनको गाड़ी क्लोज करते हैं, लोकल के साथ हाथापाई करते हैं। अब हमारे साथ हमारी गाड़ियों में माँ बहनें भी होती हैं, उनके साथ गाड़ी क्लोज करते हैं, तो ये बिल्कुल इनकी तानाशाही चलने नहीं देंगे। फिर होंडा के सारे लोग खड़े हो गए। विरोध तो ऐसा है, जब से टोल टैक्स लग गया था हमारी बड़ी गाड़ी है जितनी भी सारी फ्री कर हो गई थी प्रशासन के द्वारा, सभी फ्री करी गई थी। अब इन्होंने 1 तारीख से, ये 1 तारीख गई है, इससे इन्होंने सारी गाड़ियाँ काट दी हमारी। हम MP साहब के पास भी गए थे, विधायक साहब के पास भी गए थे, उनसे बात हो गई थी भाई तुम्हारी जैसे गाड़ियाँ पहले चल रही थी, छोटी गाड़ियाँ कारें हैं, ट्रक है, बस है, जो भी गाड़ी चल रही थी ऐसे ही चलेगी। उन्होंने SP साहब को फ़ोन भी कर दिया था, SP साहब ने हमारे सामने ही बात हुई थी भाई जैसे तो हमारी चल रही थी ऐसे चलेगी।
फिर भी इन्होंने गाड़ी निकाली नहीं। आज हम इकट्ठा हो गए यहाँ आए तो हमारे साथ बदतमीजी करी, गाड़ी क्लोज करने लग गए और उनको भाई ज़्यादा वो करोगे तो हम फायर भी कर देंगे। जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है उससे पूरा क्षेत्र अपना पूरा हल्का ग्राउंड है जितने भी है, जो गाड़ियों वाले हैं उनको क्या दिक्कतें आई है? गाड़ियों वाले को निकलने नहीं दे रहे। 1700 का कोई अलग से लाइन बनाई गई? अलग से पहले थी, अब नहीं है, अब बंद कर दिया। जाम में खड़े रहो दो दो तीन तीन। आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगे हमारी फरी करो, प्रशासन से बात चल रही है। नहीं फरी करेंगे धरना देंगे। यहाँ टोली गलत है, 2 किलोमीटर पे हमारी ट्रक यूनियन है, 2 किलोमीटर पे हम बार बार कटेल सेलरों में जाना पड़ता है, करनाल काम पासिंग करवाने के लिए करनाल जाना पड़ता है। कोई 5 रुपए का नट घाटी में कर लेगा तो हम 1200 रुपए कैसे दे देंगे? तो स्थानीय ट्रक ऑपरेटर है विरोध कर रहे हैं सर, क्या विरोध है, क्या डिमांड है सर? इन लोगों का जो विरोध आज सुबह से ही आके ये लोग कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ से बिना फास्ट टैग लगवाए और फ्री में निकलना चाहते हैं, जो कि हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कोई गाड़ी हम फास्ट टैग में फ्री का प्रोविज़न कर सकते हैं जी। तो अभी तो साहब लोग भी आ गए हैं और उनसे बातचीत करके जो भी हमारा गजट नोटिफिकेशन है और जो भी अभी फास्टैग के अगेंस्ट में नोटिफिकेशन है वो सब दिए हैं। अब जैसा आदेश एडमिनिस्ट्रेशन और NHAI के द्वारा दिया जाएगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो टोल चलाने में काफ़ी दिक्कत है, व्यवस्था बढ़ रही है, स्थानीय प्रशासन से मदद है कुछ? हाँ सर, स्थानीय प्रशासन से मदद यही कि अभी आए, सारी बात हमारी सुने और अभी और बातें होगी तो ये तो पॉजिटिव है। चूँकि हम जो भी हमारा जो हम अपने हम जहाँ खड़े हैं वो हम जो बजट नोटिफिकेशन है उसके साथ हम खड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी आएंगे तो वो तो ऑफिशियली ही सपोर्ट करेंगे। ये जैसे इनका फोर्स एग्जम्पशन जो ये चाहते हैं ये 100% इलीगल है, तो स्वाभाविक है कि सब तरफ से हमको सपोर्ट है। प्रदर्शनकारियों के प्रति क्या रूप है प्रशासन का? अभी चूँकि बात कर रहे हैं वो लोग अभी उनके पास नहीं गए हैं और हमको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हमारी बात सारी समझ के उसके बाद वो उन लोगों को समझा पाए। बातचीत के जरिए से हल निकल जाए? नहीं, बातचीत के जरिए से इसमें बातचीत का कोई जरिया नहीं है। इसमें तो हम जब टोल लगा के बैठे हैं तो हम उस स्थिति में हैं कि जो गजट नोटिफिकेशन और जो भी नोटिफिकेशन हमारा है हम उसको फॉलो करें, तो उसमें बातचीत का कोई वो जगह बचता नहीं। तो इस तरह की बातें आ रही हैं कि ट्रक ऑपरेटर जो है लेन जाम करने के लिए या व्यवस्था फैलाने के लिए भी काम कर रहे हैं, वो ठीक है अपने तरफ से वो धमकी समझ लीजिए कुछ भी समझ लीजिए, ये सारी जानकारी हम दे दिए हैं हमारे SHO सर को और हमको लगता है कि उस पर ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। एक तो नेशनल हाईवे जाम करना ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑफेंस है, तो मेरे हिसाब से ये करते हैं तो मतलब बहुत गलत होगा कानून। जी सर बताइए, तो क्या विरोध है टोल पर? ये कुछ जो आसपास के रहने वाले ग्रामीण हैं घरौंडा के इर्द गिर्द के, उनके कुछ ट्रक वगैरह जो चलते हैं इस रोड पर उनकी मांग है कि भाई उनको एग्जेम्प्ट किया जाए इस टोल से जो बस अड्डा में लगा, तो उसी के संदर्भ में वो लोग आ जाए इकट्ठे हुए और अपनी बात रख रहे हैं कि जी हमारे को एग्जेम्प्शन दी जाए इसमें। तो नियम अनुसार क्या है जी? नियम टोल वाले बता पाएंगे कि जहाँ तक कहना चाहिए कि है इनकी अपनी पॉलिसी है उसी के अनुसार ही एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो बातचीत हो रही है टोल वालों से और जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे? बातचीत अभी चल रही है, इसी समय मेरे साथ ही बैठे हुए अभी बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से फास्टैग लागू उसके बाद काफ़ी अव्यवस्था है टोल, ज़्यादा लोग जल्द से जल्द अपना फास्टैग लगवा लें, समस्या जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।